अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम ताहिरा असगर है और मैं DIL ग्रेजुएट हूँ। मैंने DIL से मैट्रिक किया और 2013 में जब मैंने इंटर किया तो DIL की तरफ से मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र हुई। उसी दौरान ही मैंने DIL ज्वाइन किया एज IT टीचर। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है और तालीम के लिए फलाही काम किए जाते हैं। मैं और मेरे सिस्टर एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जहाँ लड़कियों की तालीम के लिए काम किया जा रहा है। 2014 की बात है, मेरे सिस्टर ने मुझे एक टास्क दिया। अब वो टास्क ये था कि मुझे अपने इलाके की ऐसी स्टूडेंट को जमा करना था जो मिडल पढ़ के स्कूल छोड़ चुकी हैं और घर पे बैठी हुई हैं। तो क्योंकि मैं ख़ुद भी पढ़ रही थी उस दौरान और पढ़ा भी रही थी, तो मैं अपनी मम्मा के साथ जो है अपने इलाके के सर्वे के लिए निकली। और फिर मुझे पता चला कि हमारे इलाके में इतनी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मिडल पढ़ के स्कूल छोड़ चुकी हैं और घर पे बैठे हुए हैं। मज़ीद मालूम किया जब बच्चियों से कि ऐसी क्या वजह है कि वो स्कूल छोड़ चुकी हैं, तो पता चला कि बच्चियां तो बहुत होनहार हैं। वो जो है पढ़ना भी चाहती हैं लेकिन पता नहीं क्या इशू है। तो फिर मैंने उनके वालदैन से मालूम किया कि आखिर ऐसे क्या वजूहात हैं जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन आप उन्हें पढ़ा नहीं रहे। तो बहुत सारे वजूहात मेरे सामने आए। पहले कुछ पेरेंट्स का कहना ये था कि 9-10 में क्योंकि बोर्ड के पेपर्स होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो हम फेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो हमारे लिए इतना वो नहीं था। लेकिन कुछ पेरेंट्स की जो सोच थी वो ये थी कि लड़की है पढ़ कर क्या करेगी, लड़की है अगर ज़्यादा हम पढ़ा लेंगे तो सबके सामने बोलने शुरू कर देगी, लड़की है अगर ज़्यादा तालीम हासिल कर लेगी तो फिर इसके रिश्ते नहीं मिलेंगे। इन सारी उनकी सोच को चेंज करना बहुत टफ था मेरे लिए कि उनकी सोच को मैं चेंज करूं कि ये सोच रखने की लड़की है पढ़ कर क्या करेगी। तो मैं अपनी वालदा के साथ ही उनके घर रेगुलर बेसिस पे रोज़ जाती थी उनको कन्वेंस करने के लिए कि भाई लड़की है आप पढ़ाए हैं, आपके घर का माहौल ठीक होगा। लड़कियां अगर नॉर्मली अगर हम मैं अपने घर की मिसाल दूँ, अगर आपके घर की भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं वो ऐसी हैं कि उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, पढ़ना पड़ता है। तो अगर लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो सारी चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे। तो फिर ये हुआ कि कुछ पेरेंट्स जो है वो राज़ी हो गए इस वजह से, लेकिन एक खदशा उनको ये भी था कि कहाँ जाएंगी पढ़ने और कैसा माहौल है। तो फिर इसमें हमने बताया कि लड़कियां जो हैं वो हमारे घर आएंगी और हम सिस्टर्स पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो ये रहेगा कि हमारे जो हमारे इलाके के हैं वो जानते हैं कि हमारा माहौल कैसा है घर का। तो फिर वो लोग राज़ी हो गए। तो इस तरह मैं अपने इलाके की 17 लड़कियों को 9th क्लास में इनरोल करवाई। और शुरू में तो ये मसला हुआ कि एक साल डेढ़ साल दो साल हुआ हुआ था लड़कियों को स्कूल छोड़े हुए, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पेन पकड़ने से लिखने से। तो मैंने जो है हमने सबसे पहले मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से उनकी इस हेजिटेशन को ख़त्म किया, फिर उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। जब 9th क्लास में उन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया तो मेरे तवक्का जितनी थी बच्चों से उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। 10 स्टूडेंट ने तो माशाल्लाह पेपर क्लियर किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 स्टूडेंट के जो है एक पेपर जो है वो रुक गया। तो मैं अपनी फैमिली से एक चीज़ सीखी हूँ, कभी हार नहीं मानना है और हमेशा हौसला अफजाई करना है। तो यही चीज़ मैं उन बच्चियों पे डिलीवर किया, मैंने उनका हौसला अफजाई किया कि आप ये क्यों देख रही हो कि आपके पेपर रुक गए या फेल हो गए, आप ये देखो आपने पेपर अटैम्प्ट तो किया, आपने 4 पेपर आपने क्लियर किए। तो जब बच्चियों ने टीचर्स की देखे कि टीचर्स उनको इतना हौसला अफजाई कर रही हैं, तो वो फिर खुद से मेहनत करना शुरू कर दी। जो मेहनत में चाहती थी कि वो 9th क्लास में करें, वो मुझे 10th क्लास में नज़र आने लगा कि वो मेहनत कर रही हैं। और उनकी ये मेहनत देखते हुए मैंने एक चीज़ नोट की है, पेरेंट्स उनको तवज्जो देने लगे, वो उनको टाइम देने लगे। जो 9th क्लास में मुझे हमेशा आती थी मिस टाइम नहीं मिल रहा है, मिस घर में अम्मी ये काम दे देती हैं, मिस अम्मी वो काम दे देती हैं, घर में कोई टाइम नहीं मिलता है, हम घर पर पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये था कि फिर पेरेंट्स उनको घर पे टाइम देने लगे, नहीं मेरी बच्ची पढ़ सकती है, टाइम देने लगे। और वो फिर ये हुआ कि अगले साल मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है
कि अगले साल ये हुआ कि जब उन्होंने मैट्रिक का पेपर अटैम्प्ट किया, जिन बच्चों के पेपर्स रुके हुए थे उन्होंने वो भी दिया, और ना सिर्फ उन्होंने पेपर क्लियर किया बल्कि अच्छे परसेंटेज इंक्रीज किया अपने परसेंटेज को। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया। और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि इतनी खुशी तो शायद मुझे अपने पेपर्स में भी नहीं हुई थी, इतनी खुशी मुझे उन बच्चियों के पेपर से क्लियर होने में हुई थी। और अब भी मुझे ये है कि वो चीज़ यहाँ पे रुका नहीं है, हमने उनको मैट्रिक करवा के बस स्टॉप नहीं है, वो आगे पढ़ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कि अभी मेरी कुछ स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स ले रही हैं, कंप्यूटर क्लासेस और लैंग्वेज क्लासेस। तो अच्छा लगता है कि ये चीज़ जो है वो स्टॉप नहीं हुई है, जो बच्चियाँ मिडल पढ़ के घर पर बैठ गई थी वो अब आगे कंटिन्यू, और पेरेंट्स भी अब उनको तवज्जो देने लगे हैं कि नहीं आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, मेरी बेटी पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। और ये सिलसिला हमने अभी स्टॉप नहीं किया है, अभी भी माशाल्लाह मेरे पास 30-35 स्टूडेंट ऐसी हैं जो 9-10 अभी इस साल पेपर दे रही हैं। तो ये है कि यही प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। मेरी आप सब स्पेशली जो है वालदैन से दरख्वास्त है कि प्लीज़ लड़कियों की जो है वो पढ़ाई को ना रोकें। हम ये बोलते हैं कि हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करें, तो हम एक अच्छे ख़ानदान से उसी वक्त बिलोंग करेंगे जब हम लड़कियों को तालीम देंगे। अच्छा माशरा, अगर एक अच्छा माशरा चाहिए तो अच्छे माशरे में एक लड़की का जो किरदार होता है वो सबसे अहम होता है, और अगर एक पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो बहुत ज़्यादा अपने किरदार को अदा कर सकेगी। और मेरे लिहाज से आजकल के दौर की जो है सबसे अहम जो है ना अहमियत वो इल्म है। तो प्लीज़ अपनी लड़कियों को पढ़ाएँ और आगे बढ़ाएँ। थैंक यू। बदलतों में हमें बदलना है, हमें ख़ुद को बदलना है, और हम बदलेंगे कैसे, हमारी जब सोच बदलेगी, और हमारी सोच जब बदलेगी जब हम तालीम हासिल करेंगे। और लड़कियों को तालीम हासिल, आज हमने सीखा कि हमें लड़कियों को तालीम बहुत ज़रूरी है हासिल करना, तो अगर लड़कियां तालीम हासिल करेंगी तो ही हमारा माशरा जो है वो अच्छा हो सकेगा। हमें ख्वाबों ख्यालों की दुनिया को आगे नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ सोचों को आगे नहीं बढ़ाना है। और यकीनन बदलतों टीम जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, मैं चाहूँगी कि इस टीम में मज़ीद लोगों का इजाफा हो और हम इस काम को आगे की जानी बढ़ाएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बदलतों टीम की और DIL की कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। हम सब चाहते हैं बदल दो।